अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय बंगश। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पिज़्ज़ा की रेसिपी। इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही चीज़ी, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है, उसमें हमने मैदा ऐड किया है 2 कप ईस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट, हर्ब जायका, शुगर 1 टेबल स्पून। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी हर्ब ज़रूरत, और इसे अच्छी तरह से हम गून लेंगे। आटा को जो है हम नॉर्मल गून देंगे। तो इसे आपने अच्छी तरह से गून लेना है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा आटा है वो बहुत सॉफ्ट होना जाए। और ये देखिए हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से गून चुका है। अब हम इसे हाथों की मदद से सेट कर देंगे। इसे हम अलग बाउल में रख देंगे और इसे कवर कर देंगे, और तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए इसे हम रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। दूसरी तरफ हमने एक बाउल में 1 कप चिकन लिया है बोनलेस। उसमें हम टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, और दही 2 टेबल स्पून ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद जो है हम इसे रख देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब दूसरी तरफ हमने जो है चिकन को पकाना है, तो उसके लिए हमने एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे, और इसे हम लोग मीडियम हीट पर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए और जल ना जाए। और अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की भी कोई मसाले ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ हमने जो आटा गूंद के रखा था वो अच्छी तरह से राइस हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त राइस हो चुका है। और अब जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा डस्ट कर देंगे, और इसको हम 2 हिस्सों में ले लेंगे इस तरह से, और एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे, और फिर उसे अच्छी तरह से हम बेल देंगे। आपने पिज़्ज़ा का साइज़ जितना रखना है उतना पेड़ा आप ले लें, और फिर उसे हम बेल देंगे इस तरह से। पहले हाथों की मदद से इसे आप सेट कर दें, और उसके बाद हम जो है इसे बेल देंगे। इसका जो क्रस्ट है हम वो ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसके जो साइड्स हैं किनारे वो आप इसे बहुत ज़्यादा आप उसे थोड़ा सा पतला कर दें। दूसरी तरफ हमने एक बेकिंग ट्रे लिया है, उसे हम अच्छी तरह से ऑयल की मदद से ग्रीस कर देंगे। अब जो है हम इसमें जो हमारा क्रस्ट है वो सेट कर देंगे। तो आप हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से सेट कर दें। और इसके जो किनारे हैं वो आप हाथों की मदद से जो है पतली कर दें। इस तरह से आप जो है मायनीज को साइड पे इस तरह से डाल देंगे।
इस तरह से हम बंद कर देंगे। तो हाथों की मदद से इस तरह से आप इसे सेट कर दें। अब जो है हम इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसे हम ब्रश की मदद से, या आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो स्पून की मदद से आप इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। अब हम इसके ऊपर जो है पिज़्ज़ा चीज़ डाल देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ नहीं है तो आप चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ले लें, वो डाल दें इसके ऊपर इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है चिकन टिक्का डालेंगे जो हमने बना के रखा था। चिकन टिक्का डालने के बाद जो है हम इसके ऊपर सॉसेजेस डाल देंगे। अगर सॉसेजेस अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। सारे साइड्स पे अच्छी तरह से आप चीज़ डालें और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर प्याज कटे हुए जो है ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च कटी हुई और ब्लैक ऑलिव्स। अगर अवेलेबल है तो डाल दें, अगर नहीं है अवेलेबल तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो है ब्लैक ऑलिव्स डाल देंगे। और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर लाल कुटी हुई मिर्ची डाल देंगे, जितनी आपको पसंद है उतनी डाल दें। और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा बटर या ऑयल जो है साइड्स पे ब्रश कर देंगे और इसे बेक होने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए 200 सेंटीग्रेड पे। और ये हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है और ये बिल्कुल पक चुका है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।